चारों कमाने वाले हों कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब काम हिलने पर लगे रहें तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानिए। चार भाई हों, चारों नौकरी पर लग रहे हों, बहुत अच्छा परिवार समझो उसे, लड़ाई झगड़े भी नहीं हुआ करते। एक घर में चार भाई हों, चारों में से कोई भी नहीं कमाने वाला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? तू कहना मेरी, मैं कहूं ना तेरी, जैसा तू ऐसा ही मैं, लड़ाई के चांस कम बढ़ेंगे। लेकिन एक घर में चार भाई हों, चारों में से किसी एक की तो शादी हो जाए और वो शादी वाला ही कमाना शुरू कर दे, उस घर में उसी दिन से अखाड़ा होना शुरू। और फिर आप ये भी समझ गए होंगे कि अखाड़ा करता कौन है, तेरी माँ करती है अखाड़ा, तेरी माँ करती है अखाड़ा। तू कदमे कर अदा किया जब भी तुमने देखा, मेरी माँ तेरी कुछ नहीं लगती, लगती है ना, क्या सासू माँ ऐसा कायदा से बोल जाती तो ये मेरे बुजुर्ग ये भी ये कह देते कहां घर में आके भी रेस्पेक्ट है। तेरी माँ कई की तोबना है मेरे ऊपर। जो नौजवान अपने माता पिता को तोप नहीं मानते दुनिया के सबसे घटिया इंसान होते हैं। माँ कई काज में प्रोग्राम हो रहा है, बिल्कुल माँ तू भी बनेगी, लेकिन तेरी माँ ऐसे काम नहीं करती। अच्छे अच्छे मेरी बात सुन, क्या बड़े मुश्किल से तो मेरी नौकरी लगवाई, पूछ किसने लगवाई, किसने लगवाई, सतीश जी खिजूरी वाले ने लगवाई। काहे की लगवाई? बावल में लगवाई। अच्छा ये भी बताऊं काहे की लगवाई? हाँ बताओ। सरकारी स्कूल में चपरासी की लगवाई। चपरासी की लगवाई? बहुत बड़ी नौकरी लगवा दी। चपरासी के बिना गेट खोले हुए अगर एक भी बच्चा एंट्री कर जाए, एक भी टीचर आ जाए या प्रिंसिपल आ जाए तो हमें बताओ। अच्छा चपरासी से बड़ी कोई पोस्ट नहीं हो सकती, ये बात है। हाँ नौकरी की पहली तनख्वाह मिली और पहली तनख्वाह में खुश होकर के अपने परिवार के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने माता बहनों के लिए कुछ मिठाई और कपड़े लेकर के आया, उन्हें देख करके तुझे खुश होना चाहिए, पर तेरे माथे में सड़वट पड़ गई, क्या बात है। तुम नौकरी लगे हो? हाँ पहली तनख्वाह मिली है। मिठाई और कपड़े लाए हो? मिठाई और कपड़े लाए हो। अपनी माता के लिए लाए? हाँ। अपनी बहनों के लिए लाए? बिल्कुल। अपने भाइयों के लिए लाए जी। लेकिन ये जो मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे इनके लिए क्या लाए? ये तेरे ही बच्चे? अच्छा इतनी जल्दी भूल गए? इधर की तरफ इशारा करा तेने, यहाँ से वहां तक उधर कुछ बुढ़ेरा भी बैठे? नहीं ये बैठे, ये कह रही हूँ। और वे जो दो बैठे? वे तो ज्यादा बड़े हो गए, वे तो तेरे ही बाप लगे। ये है तेरे बच्चे? बेटा एक बार खड़ा हो जाए, लाल कमीज वाला इधर आ जा, इधर आ जा तू, और भाई बिलू तू भी आ जा, ऊपर ही आ जा, चढ़िया ऊपर को, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक बार दोनों दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली इन बच्चों के लिए हो जानी चाहिए, अलग ही चुनौती कर ले पहले। हाँ, एक बात बता जी। देखिए ये तो गोरा चिट्टा है। हाँ मुझसे भी तुझसे भी कुछ ना कुछ मिल रहा है जी, ये तो लगे मेरा सा, पर तू इस तोरई के बीज कहां से ले आई है? अरे ये भी तुम्हारा है, ये जब का है, ये जब तुम्हारी काली काली बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ी का सारा असर इसी में चला गया, इसी में चला गया पूरे पे। मासे जी एक दिन को बने हो रहा है, एक रात को? अरे एक अब्सेंट में पड़ रहा है ना। ये है जवाब, ये है वैद्य जी असली। हाँ ये जाड़ बेटा बैठ जाओ थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी तू नाराज किस बात पे हुई, लड़ाई क्या बात हुई, हुई कैसे अपसेट हो रही है? मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। क्यों? मैं तेरे इस गरीब परिवार से न्यारा होना चाहती हूँ। अच्छा यू ही बीमारी? यू बीमारी है दादा, पकड़िए ये लठिया सी, दादा दीजो या मैं तो पकड़ा दो, लाठिया दे दो भाई, एक बार जोरदार ताली दादा के लिए भी हो जानी चाहिए। जितना मैं अपनी घरवाली से दुखी हूँ, बेटा की बहू से ये भी इतने दुखी है जितना ये। देख लो इतनी जल्दी बैत भेज दिया, यही तो करावा हमारे घर में लड़ाई। इसीलिए तो बैत ले आकर के पकड़ाया, को धेड़ के फेंक दे। अच्छा पर मैं मारूंगा नहीं। हाँ। झाड़ का मैं पहले तुझे प्यार से समझा के देख लूं, और ना मानेगी तो फिर तीन दिन के लिए झाड़ का मैं छोड़ जाऊंगा अपने आप झाड़ का वाले। हाँ यही बात। हाँ अपने आप तुझे सेट करके भेज देंगे, पहले प्यार से समझा लू दादा, समझा के देख ले तुझे कुछ लगता हो तो। औरतों के ऊपर जो हाथ उठाता है वो दुनिया का सबसे कायर इंसान होता है, तो उनमें
से? मैं वो कायरता नहीं करूंगा। डंडा तो ले लिया तुमने? डंडा ही तो लिया, अभी फंडा नहीं किया कुछ भी। सुन मेरी बात को। कही अपनी बात। हरी बोलगी बुजुर्गों की। मैं ना डरने वाली तेरी छोटे छोटे झटकों से। मासे जी रहने दो, तुमसे बड़ी तो लाठी लग रही है, तुम तो नहीं सही। लाठी छोटी है मेरे कायदा से। हाँ जब ही तो बोल रही है लाठी। हेलो लाठी बड़ी होती ना तो यू बोलती ना ना। लाठी तो छोटी पड़ रही है। कायदा में लाठी इतनी होनी चाहिए, कायदे में लाठी इतनी होनी चाहिए। तुम समझ नहीं रहे वो जो बात कह रहे हैं। यू समझ के हमारी बात सुन ले। लाठी चलिए भी ना बोलेगी। ऐसे ही बोलूंगी। झाड़का से बाहर निकल फिर बताऊंगा तुझे कैसे बोलेगी। ऐसे ही। अरे बोलगी क्यों बोलगी तारे में। हमारे बालक छाने होते कूद कनारे हो जाएंगे। हमारे बालक छाने होते कूद कनारे हो जाएंगे।
साथ पिता ने तुझे देखियो। अरे लियाज तो तेरे ऐसी शकल को देख के ही आ जा। सुन ले मेरी बात को। हाँ। मेरी शकल की तू लिहाज करती तो इस तरह से इतनी सभा के बीच में ऐसे तेड़ा तेड़ जवाब ना दे। आज करूं आज तक कुछ भी नहीं लाके दिया मुझे, इतने दिन हो गए पीर से। मेरी मम्मी ने जिस समय तू बिहाली आई थी तुझ पर कितनी चीज चढ़ाई थी तुझे पता ना? चल पर चढ़ाई सारी बेच के टिका दी तेने, वो जो भी चढ़ाई अब जो भी ला रही हूँ सब कुछ अपने पीर से ला रही हूँ। ये तेरे पीर का? बिल्कुल। क्या है तुझे पीहर का? सब कुछ जो ये कानों में जो पहन रखे मेरे पीहर से, नाका पीहर से, ये पीहर से, पैरों के पीहर से, बच्चे पीहर से। नहीं वो तो तुम्हारे कंफ्यूजन कर दिया तुमने मेरे दिमाग में। धन्य हो ऐसी माँ जिसका पीहर, अरे वो तो तुम्हारे जिसका पीहर इतना मजबूत हो जो बच्चे भी वहीं से भेज दे। आज के दिन तुझे पता नहीं ऐसा भी होता है? अच्छा साथ में लेके आ। अगर मुझे ऐसा पता होती तो मैं कतई बिल्कुल बिल्कुल ब्याह नहीं करवाता। लेकिन ये तो आपके ही है जी। न्यारे होते ही गोरी मेरे घर की घड़ी कमाई हो, मेरे छोटे भाई कवारे जो जो कुआरे एक बार हाथ खड़ा कर दीजो। कर लो जी खड़े कर लो हाथ। रिश्ता करवाऊंगा तुम्हारे लिए। न्यारे होते ही गोरी मेरे घर की घड़ी कमाई हो, मेरे छोटे भाई कवारे को न्या ब्याह सगाई हो, आते घर में न्यारी हो जा को न्या आसन लुगाई हो, आते घर में न्यारी हो जा को न्या आसन लुगाई हो, आते घर में न्यारी हो जा को न्या आसन लुगाई हो। शादी में हो शादी में ना तेरे झोपड़ी नारा हो के कोठी हो, तुम ठेकरी घरवा मेरे सर पे दो दो चोटी हो, संगमरमर के बाथरूम में मैं तो नहाऊंगी, मैं तो नहाऊंगी, मैं तो नहाऊंगी बैठ के फुहारे में, मैं तो नहाऊंगी गाना में अब न्यारे में, मैं तो नहाऊंगी गाना में अब न्यारे में। सुहाती ना अपना बालम अपने बालक दूजी चीज भाती ना, घर कुड़बे में आग लगो ये आंसू एक बहाती ना, घर कुड़बे में आग लगो ये आंसू एक बहाती, घर कुड़बे में आग लगो ये आंसू एक बहाती ना, घर कुड़बे में हाँ घर कुड़बे में रहेगा तो न्यूए झगड़े जोवेगा, मैं तो पीहर जारी सू तू अपनी इज्जत खोवेगा, कुछ दिन पाछे देख लिए तू मुड़ पकड़ कर रोवेगा, कुछ दिन पाछे देख लिए तू मुड़ पकड़ कर रोवेगा, और भी करेगा। तू पीहर जा रही है? मैं पीहर जा रही हूँ। पीहर मत ना जा। क्यों ना जाऊं? मैं कुछ दिन पाछे के आज ही रोना शुरू कर दूंगा, नहीं तो किस लिए? सर्दी इतनी है। हाँ इसलिए मैं पीहर जा रही, तू मूड पकड़ के रोएगा। मूड पकड़ के क्या, मैं टोकरा पकड़ के भी रोऊंगा, मैं चूल्हे को पकड़ के भी रोऊंगा, मैं रसोई में जाते भी रोऊंगा, मैं ढोर जेंगड़े ने भी पकड़ के रहूंगा, मतलब बहुत चीज पकड़ पकड़ के रहो। और तुम एक काम और भी करोगे मेरे जाने के बाद। क्या? जड़े सोहवेगा, जड़े सोहवेगा। रुक जा। क्या? मैं तो पिताजी के धोरे चद्दर में सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पिताजी तुझे सोएंगे। बचपन से उनकी गोद में सोया हूँ, अब सोने में क्या दिक्कत है? हाँ तुम्हारे लिए जगह है पिताजी के पास में, भेज दूं जी से? झाड़का वाले कह रहे भेज दे, दो चार दिन कोई तेरी रोटी का जुगाड़, दो चार दिन के लिए रोटी टुकड़ा मिल जाएंगे अगर भेज दूं तो। क्यों जी मिल जाएंगी? कौन कर देगा? आप ही भंडारे में जी मरे हो, मैं और छुटवा दो मेरी रोटी। खुद को तो मिल नहीं रहा, तुम्हारा और जुगाड़ बना रहे हैं। मैं तो पीहर जा रही सू तू मुड़ पकड़ के रोवेगा, मैं तो